दोस्तों, अगर आपका एक YouTube चैनल है और उसमें आप लोगो बनाना चाहते हैं, आपकी पहचान बनाने के लिए एक लोगो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर आपका एक YouTube चैनल है, उस पर लोगो नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी। तो गाइस, अगर आप एक क्रिएटिव लोगो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल मैं ओपन करके दिखा देता हूं। गाइस, यहां पर जो हमारा लोगो देख सकते हैं, एप्लीकेशन की मदद से मैं इस लोगो को बनाया, तो इस टाइप से लोगो मैं बनाना सिखाऊंगा। और मैं बड़े साइज में दिखाना चाहूं तो लोगो का कुछ डिजाइनिंग इस टाइप से है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम विकास जायसवाल और आप देख रहे हैं डिजिटल विकास। ओके गाइस, अब चलते हैं वीडियो की। क्रिएटिव लोगो बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की मदद पड़ती है। उस एप्लीकेशन का मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, या कि आप यूज करते ही होंगे, जिसका नाम है पिक्सल लैब। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से आपका इंटरफेस आएगा पिक्सल लैब एप्लीकेशन का। अब करना क्या, सिंपली से डिलीट वाले ऑप्शन पर जाकर इसे डिलीट कर देना। तो थ्री डॉट पर जाना है, इमेज साइज का आप टैप करना है, एंड यहाँ पर हम जैसे टैप करेंगे, आपको स्क्वायर वाले ऑप्शन पर टैप कर देना, 1.1 का रेशियो। जैसे हम इस पर टैप करेंगे, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। सेंटर पर जाएंगे, इसके बाद सेव का ऑप्शन आता है। सेव के ऑप्शन पर हम टैप करके थोड़ी सी छोटा करेंगे और इसका कलर हम ब्लैक करेंगे। इसका कलर ब्लैक हो चुका है। एंड आप करना क्या है, सिंपली से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, ए वाले ऑप्शन में टेक्स्ट पे, और यहाँ हम जो भी आपका चैनल का नेम है, फ्रंट नेम, तो उस टाइप से हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। इसके बाद सिंपली से फॉन्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, आपको इसका फॉन्ट थोड़ी हाई कर देना है ताकि अच्छा दिखे। इसका साइज भी हम इंक्रीज करेंगे। सेंटर पर करना है ताकि आपका लोगो काफ़ी क्रिएटिव बने। हम फिर से एक टेक्स्ट लेंगे। अब करना क्या है, आपको दोनों को मैच करना है। तो आपको टेक्स्ट जैसे जिस तरह से आपका नाम हो एंड उसे हम मैच करेंगे, तो कुछ इस टाइप से आप मैच कर सकते हैं। इसका हम दोनों का कलर येलो करेंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी कमाल का दिख रहा है। तो कुछ इस टाइप से आपको करने के बाद टैप करेंगे एंड कॉर्नर पे, इसके बाद भी और जो डी है इसको हम लॉक कर देंगे। इसके बाद ओके पे टैप करेंगे। अब इसको थोड़ी सी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा इंक्रीज करेंगे, तो कुछ इस टाइप से आपका दिखेगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली से आपको नाम ऐड करना है चैनल का। फिर इसके बाद हम इसको इंक्रीज करेंगे थोड़ी सी, इसको अपने साइज पर लाएंगे, बैकग्राउंड दे वो भी ब्लैक कलर। इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ी सी रेडियस आपको राउंड शेप कर देना है। इस टाइप से आपको नाम को एडजस्ट कर लेना है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लिखेंगे हम डिजिटल, इसका कलर चेंज करके हम ब्लैक कर देंगे एंड इसका थोड़ी सी साइज इंक्रीज करेंगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप से आपका जो लोगो वो क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ी सी इसमें ड्रॉ, ताकि हमारा लोगो प्रोफेशनल दिखे। जितने भी आप लेयर बनाए हैं सभी को लॉक कर दें एंड इसके बाद इस पर टैप करें, जूम करें एंड इसके बाद फिर से क्लिक करें। अब इस सेक्शन पर जाना है, ड्रॉ वाले सेक्शन पर जाना है। इसके बाद कलर को वाइट कलर करना है, इसका साइज 4 तक कर दें एंड इसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा हैंड से ये, फिर आपको बैकग्राउंड का जो कलर है उसको वाइट कलर कर देना। तो आपका जो ये हमने ड्रॉ किया है वो मैच हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप सिंपली से जैसे आप इसमें सर्कल भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सेंटर पर टैप करेंगे सेव वाले आइकन पे एंड इसका राउंड शेप, इसके बाद इसकी ऑपेसिटी 0 कर देंगे, इसके बाद थोड़ी सी इसको बढ़ाएंगे, ये हो गया। तो कुछ इस टाइप से आप राउंड ऐड कर सकते हैं, सेव वाले आइकन पे टैप करके आप गैलरी कर सकते। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।